नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भास्कर, कंसल्टेंट फिजिशियन भास्कर क्लिनिक वाराणसी से आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर अपने विचार साझा कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हाइपरटेंशन एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, लेकिन आजकल ये कम उम्र में भी पाया जाने लगा है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें अपने ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए सजग होना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण सीडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइट और मेंटल स्ट्रेस है। इन सभी को हमें कंट्रोल रखना है। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम मेंटली, फिजिकली, सोशली अच्छी लाइफ नहीं बिता सकेंगे। हमें अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा से अवश्य करनी चाहिए। खान पान में कम नमक, कम तेल मसाले वाले फूड, अच्छे फ्रूट्स विद फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए। फास्ट फूड और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बीपी बढ़ने का मुख्य रीजन आजकल मेंटल स्ट्रेस है, तो हमें अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखना चाहिए। हमें अपने फैमिली में गुड क्वालिटी ऑफ टाइम देना चाहिए और हमें अपनी हॉबीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा और आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। वैसे मरीज जो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो प्रॉपर मेडिकेशन लें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कभी कभी सेल्फ मेडिकेशन और ओवरडोज से लो बीपी, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, उसका खतरा रहता है, जो कि बूढ़े मरीज में वो बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहें और समय समय पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और दवा की डोजिंग सुनिश्चित कराइए। योर डॉक्टर इज द पर्सन हु नोज योर प्रॉब्लम मोर देन यू। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।